नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा, और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कृषि कानून के विरोध में 128 दिनों से किसान आंदोलन जारी है। पिछले करीब दो महीने से सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक भी टूट नहीं पाया है, तो फिर वहीं संयुक्त किसान मोर्चा समय समय पर आंदोलन की नई रणनीति का ऐलान कर रहा है। किसान मोर्चा के आह्वान पर आज ही हरियाणा समेत कई राज्यों में किसानों ने FCI के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। किसानों का आरोप है कि सरकार FCI का बजट कम कर रही है, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, फिर खास मेहमानों के साथ आज इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस। हरियाणा के कई जिलों में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने भारतीय खाद्य निगम के बाहर धरना दिया। किसान भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के बाहर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में भारतीय खाद्य निगम के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम को सरकार फेल करना चाहती है, ताकि प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा मिल सके। इसके रोड के षड्यंत्र हैं, ये तीन काले कानून लाए, वो इनके कामयाब नहीं होने दिए हमने। अब यह क्या कर दिया इन्होंने, एक पीछे का रास्ता निकाला, FCI को खत्म कर दिया। अब FCI खत्म करने के लिए, जैसे कल परसों भी इन्होंने क्या किया, मंडियों में मैं लोगों को परेशान किया, किसानों को कि यहाँ गेहूँ ना बिके, उसको करने के लिए अब यहाँ पे क्या कर दिया, अभी आप 14% की बजाय 12% इन्होंने नमी कर दी। जो सरकार है, भारत सरकार, मोदी सरकार, वो जो कानून लेके आई है, कृषि कानून काले, उनमें एक एजेंडा ये भी, क्योंकि वो मंडियों को समाप्त करके बाहर प्राइवेट जो मंडी है बनाना चाहते हैं, और मंडियां समाप्त करने के लिए जो मंडियों में खरीद की एजेंसियां सबसे बड़ी घेराव FCI को बचाने के लिए हो रहा है। FCI के अंदर जो कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का करना, रेगुलर करने के लिए हो रहा है। जो स्थिति आज देश के अंदर हो चुकी है उसके विरोध में हो रहा है। ये तो मतलब है से खरीद करेगी और भी नाम उनका, जब तक हरियाणा के बच्चे ये कैप्सी जो सेंटर का महकमा है, सेंटर का महकमा भी पंजाब हरियाणा यूपी सबसे खरीद कराया करता, जी इन्हें खरीद बंद कर दी तो कणक खरीद नहीं सकती हरियाणा एजेंसियां। अब किसान भारतीय खाद्य निगम को बचाने के लिए आ खड़े हुए हैं। किसानों का कृषि कानून के विरोध में जो धरना प्रदर्शन जारी है, उसी के साथ भारतीय खाद्य निगम के बाहर धरना प्रदर्शन करके अपना रोष जाहिर किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार FCI को बंद कर अपने चहेतों को लाभ देना चाहती है, इससे किसान गरीब मजदूर को नुकसान होगा। जबकि किसानों का कहना है कि FCI देश की रीढ़ है, जिसको वो बचा कर रहेंगे। किसान मोर्चा के आह्वान पर आज सिरसा के अंदर आप देख सकते हो कि किस तरह से FCI बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। इसमें आज से गोदाम जो है, उसे ऑफिस है, इसके सामने किसानों ने धरना दिया गया है। और जिस प्रकार से इस कॉल पूरे हरियाणा प्रदेश में की गई है, पूरे किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा यह फैसला लिया गया था कि 5 अप्रैल को FCI बचाओ दिवस मनाया जाएगा। इसी क्रम में यहाँ किसान मोर्चे बैठे हुए, कुछ किसान नेता मेरे साथ, उनसे बातचीत करना चाहूँगा। आज जो किसान FCI बचाओ दिवस मनाया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य है? जो संयुक्त किसान मोर्चा हमारे दिल्ली के बॉर्डरों पर जो हमारे जथेबंदियाँ बैठी हैं, उनके आह्वान पर आज FCI बचाओ देश बचाओ, क्योंकि धीरे धीरे ये सरकार पूरे सरकारी संस्थानों को बेचकर प्राइवेट अदारों के हाथ में देने को जा रही है, जिसके लिए ये आने वाले दिनों में किसान तो परेशान है ही है, होगा ही होगा, जो उपभोक्ता है उसको बहुत बड़ी मार पड़ने वाली, क्योंकि बहुत बड़ा ये हमारा अदारा है FCI है, जो तो बहुत अच्छे जो भंडारण है यहाँ, पूरा देश का भंडार FCI को बहुत बड़ा एक परसेंटेज इसके ऊपर जाता है। अगर ये देश प्राइवेट हाथों में आ गया, साइलो बन रहे हैं उनके हाथों में चला गया, अंबानी अंबानी के हाथों में चला गया, तो देश का निम्न वर्ग जो हमारा बहुजन वर्ग है, दलित वर्ग है, वो भी इसमें चपेट में आ जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के चलते देश भर के 23 राज्यों में एकत्र की गई मिट्टी सत्याग्रह यात्रा के माध्यम से शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंची, जहां मौजूद किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस मिट्टी से किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की याद में स्मारक बनाया। इस दौरान स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव के अलावा भारी संख्या में किसान संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। देश भर के किसान संगठनों ने फैसला किया कि वो गांव-गांव जाके मिट्टी इकट्ठी करेंगे, और उस मिट्टी की मदद से दिल्ली के चारों तरफ जो चार मोर्चे
मोर्चे हैं वहाँ शहीद किसानों की स्मृति में एक स्मारक बनाया जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं कि लगभग 23 राज्यों से हजारों गांव से मिट्टी यहाँ आई है। हमारे साथ मेधा पाटकर हैं, डॉक्टर सुनीलम हैं, प्रफुल्ल सामंतराय हैं, अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन सबकी मिट्टी की मदद से यहाँ पे एक स्मारक बनाया गया है। हमारी उम्मीद है कि सिर्फ आंदोलन में ही नहीं, इस आंदोलन के बाद भी जब कोई दिल्ली जयपुर रोड पे जाएगा तो किसानों की शहादत को याद करेंगे और ये स्मारक जो कि NIT के भाई लालोन ने बनाया है वो इस देश के किसान आंदोलन को स्मृति देगा, किसान आंदोलन को संकल्प देगा, उसे ताकत। जाहिर है किसान आंदोलन में हर दिन कुछ न कुछ नया होता है और हर तरीके से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि वो किसानों से बातचीत को तैयार है, लेकिन किसान तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि सरकार और किसानों के बीच चली आ रही ये जंग कब खत्म होती है और किस तरह होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो चलिए, इस रिपोर्ट में आपने देखा कि आज दिन भर किस तरीके से बेहद हंगामेदार आज का पूरा दिन रहा है। और आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले आज के अहम सवाल, उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि आंदोलन के बीच में फसल खरीद पर आखिर यह घमासान क्यों मचा हुआ है। सवाल आज की बड़ी बहस का दूसरा यह है कि कृषि कानून की लड़ाई अब FCI तक क्यों आई है, क्योंकि आज आपने देखा है कि FCI के बाहर किस तरीके से प्रदर्शन हुए हैं। तीसरा सवाल आज की बड़ी बहस का यह है कि खरीद के नियमों में बदलाव से आखिर किसको नफा है और किसको नुकसान है। ये सभी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं और आज इन्हीं सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की भी शुरुआत करते हैं। फिलहाल तीन मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ रही है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। रंजीता मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। अजय सिंगला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अजय सिंगला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके अलावा रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनेलो की तरफ से। रजत पंजेटा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज रंजीता जी आपसे ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। रंजीता जी, कैसे देख रही हैं, एक तरफ तो कृषि कानून को लेकर के आंदोलन है, दूसरा आज FCI के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हुआ है और तीसरा खरीद को लेकर के जो बदलाव इस वक्त हुए हैं उसको लेकर के भी बड़ा घमासान मचा हुआ है। इन तीनों ही विषयों का मैं चाह रहा हूं कि स्पेसिफिकली जवाब दें रंजीता जी। आयुष, मैं इस बात से हैरान हूँ कि आज जिस तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी महसूस कर रहे होंगे, पूरे हरियाणा की जनता भी ये महसूस कर रही है कि सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध किए जा रहे हैं। आज सब सब कुछ सिस्टमेटिकली चल रहा है, 1 अप्रैल से पूरी ग्रीप शुरू हो चुकी है, हर चीज सिस्टमेटिकली चल रही है, लोगों को बकायदा मैसेज पहुंच रहे हैं, जिनको मैसेज नहीं पहुंच रहा अगर वो भी आ रहे हैं उसको भी गेट पास किए जा रहे हैं। तो आज पूरी व्यवस्था जो व्यवस्था चल रही है, तो आज दिक्कत किस बात की, ये जानना चाहती हूँ। असल किसान आंदोलन शुरू होने के बाद 2 बार हमारी परीक्षा हुई, सबसे पहले सरसों की हुई और बाजरे की हुई, दोनों ही फसलें हमने MSP से ज्यादा मूल्य पे खरीदी, बल्कि सरसों के ऊपर तो रिकॉर्ड तोड़ जो था हमारे समर्थन मूल्य से ज्यादा भी बोलियां लगकर जो सरसों खरीदी गई 4650 रुपए से भी ऊपर जो सरसों बिकी। आज गेहूं के दाने को भी एक एक दाने को सरकार खरीदने के लिए तैयार है, कहीं किसी चीज की कमी नहीं है, पूरी मात्रा में बारदाना उपलब्ध है, मंडियों में पूरी व्यवस्था कर दी गई है। आज जो 4 बड़े केंद्र हैं, जो मेन जो हमारा जो धान खरीदते हैं, FCI, हैफेड, हरियाणा एग्रो, DFSC, चारों की चारों संस्थाएं पूरी तरीके से तैयार है सामान खरीदने के लिए और एक 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 दाना खरीदेंगे किसान का। तो आज ये किस चीज का विरोध है, FCI का गिराव करके FCI को बचाने का विरोध है। ये आज जो व्यवस्था पूरे हरियाणा के अंदर बिगाड़ने का काम विपक्ष कर रहा है किसानों के कंधों पे बंदूकें रख के, आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज विरोध किस बात का है। आज मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो जो किसान है अपनी फसल को रजिस्टर कराता है, 78% जो किसान है उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया कि हमें अपने अकाउंट में पैसा चाहिए, उनके अकाउंट में पैसा 72 घंटे के अंदर जा रहा है, अगर पेमेंट लेट होती है तो सरकार उनको 9% ब्याज दे रही है, फिर दूसरी तरफ आड़ती आ जाते हैं, आड़ती विरोध करते हैं, हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ वो हो जाएगा, हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, सरकार उनको भी उनका जो ब्याज जो उनको मिलता है आड़त की बाबत वो अपने पल्ले से देने के लिए तैयार है। तो आज किस चीज के लिए विरोध हो रहा है और आज किस चीज के लिए प्रदर्शन हो रहा है और आज किस चीज के लिए नेता वहां पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर हो रहा है। आखिर सरकार ने ऐसा क्या कर दिया, सरकार ने ये कर दिया कि चलिए रंजीता जी आपकी बात का मैं जवाब लेता हूँ। सिंगला जी हमारे साथ हैं, अजय जी जवाब दें। आयुष जी,
आजकल जितने भी भाजपा के प्रवक्ता चैनल्स पे आ रहे हैं, निरंतर मैं देख रहा हूं हस्से के पात्र बनते जा रहे हैं, किसी भी इसका जवाब नहीं। दावे, घोषणाएं, ये पूछ रहे हैं ना किस चीज का कर रहे हैं, घमंड का, तानाशाही का, निरंकुश, जो निरंकुश सरकार, निरंकुश पार्टी, निरंकुश राजा, इस चीज का विरोध है। सारी व्यवस्थाएं कर दी आपने, मैं चार दिन से लगातार चैनल पर बैठा हूं, अगर आपने सारी व्यवस्थाएं की होती इतने, रंजीता जी मैंने आपसे निवेदन पहले भी किया था, आप सुनने की क्षमता रखिए, आपके अंदर बहुत गलती, आप सुन नहीं सकती, सुनिए आप बात को, मैं आपकी बात को सुनूंगा, गलत बात है। आप सब कुछ दे रहे किसानों को, लाठियां भी दे रहे हैं, वाटर कैनन भी दे रहे हैं, केस भी बना रहे हैं, बहुत अच्छी सरकार है। और यही कारण है आपके मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, आपके नेता गांव में नहीं बढ़ पा रहे, अपनी बात नहीं कर पा रहे, झूठ की राजनीति करते हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आज किसान कह रहे हैं कि हमने एफसीआई को बचाना है, एक कविता कही थी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी बहुत इज्जत है हिंदुस्तान में, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। अरे आप तो छोड़ेंगे कुछ नहीं, आप तो लोगों के कपड़े तक बेच देंगे, आप यहां पे बैठ के भाषण दे रहे हैं, चार महीने से किसान बैठे हैं और 300 के ऊपर आप मर गए हैं और आप भाषण दे रहे हैं यहां पे उनकी समस्या को हल निकालने की बजाय। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए आपको किसान, वो क्या रहा हिंदुस्तान में, तानाशाही का राज है, प्रजातंत्र तो मैं अपनी बात का बात रखूंगा, कहिए आप। चलिए, कुछ तकनीकी समस्या, रंजीता जी की भी आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं आ रही है। राजेश दहिया जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं, एक तो एफसीआई के बाहर आज विरोध प्रदर्शन हुई, जो नई व्यवस्था शामिल हुई है जो फसल खरीदी को लेकर के, उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों इसका विरोध हो रहा है? आयुष जी, जैसे आपकी मैडम है रंजीता मेहता ने कहा है कि लोगों के पास मैसेज जा रहे हैं और जिनके पास नहीं जा रहे हैं उनकी फसल हम ले रहे हैं, इसका मतलब मैसेज नहीं जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जिनको पैसा 48 घंटे मिल रहा है सबको मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है उनको ब्याज दे रहे हैं, इसका मतलब उनको नहीं मिल रहा है ना। जो सरकार का ये सिस्टम है मैसेज देना, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना, ये टोटली फेल है, सरकार इस संदर्भ में बिल्कुल फेल हो चुकी है। उसके जो सलाहकार हैं वो बिल्कुल निराकार हैं, जिनको ये नहीं पता कि भूमि पर क्या होता है, किसान के साथ कितनी परेशानी होती है, वो बैठ के जैसे मैडम जी बैठ के यहाँ कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, वो सब यही कहते हैं बहुत बढ़िया चल रहा है। आज जो एफसीआई धरना दिया गया है, ये एक सरकार की सोची समझी राजनीति थी कि अगर मंडी नहीं खत्म होती तो एफसीआई को खत्म कर दो, क्योंकि सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जो हमारी फसलों को स्टॉक करता है। अब एफसीआई में आज हमने देखा, धरना दिया था, गए डिपार्टमेंट में तो वहां तो देखा और बुरा हाल है, वहां तो लोग कच्चे काउंटर रखे हुए हैं, पोस्ट खाली पड़ी हुई है, मतलब इन्होंने तो एक धांधली मचा रखी है कि जो भी डिपार्टमेंट किसान से जुड़ा हुआ है उसको खत्म कर दो, चाहे वो एफसीआई है चाहे वो मंडियां हैं। अब आपने जो नया तरीका लगाया है इसमें कि जो मॉइस्चर वाला और पॉइंट डाल दिया है 14% से 12% कर दिया गया है, उससे तो फसल और बेकार कर दी है कि किसान अपनी फसल को बेच ही नहीं पाएगा। जो सिस्टम में, जो नया सिस्टम बनाया है बीजेपी सरकार ने, वो टोटली किसान विरोधी है, किसान की फसल को समय पर नहीं खरीद पाएगा, उसका पैसा अकाउंट में नहीं जा पाएगा, उसको परेशानी साथ साथ, जैसे कहने इन्होंने कहा कि आड़तियों को भी हम ब्याज दे देंगे, ये किसको, जो पैसा नहीं मिलेगा ब्याज किसको देंगे? ये हम तो इस बात से हैरान है कि ये सरकार चला कौन रहा है। अगर इनके बस की सरकार चलानी नहीं, कम से कम किसानों को कह दो, वो धरने प्रदर्शन कितने बढ़िया चला रहे हैं बॉर्डरों पे, इनकी सरकार भी चला देंगे, कम से कम हमसे ये सलाह ले लो कि फसल कैसे बेची जाती है, कैसा पैसा दिया जाता है। किसान जो चाहता है कि फसल जब वो खेत में हो वो फसल जो निकाल ले अपने ट्रॉली में डाले और सीधा मंडी में पहुंच जाए, अगर किसान को फसल अपनी ट्रॉली में डालकर घर में डालनी पड़ेगी और फिर उसको दोबारा लोड अनलोड करना पड़ेगा, तो उसका कितना खर्चा, कितना मेहनत और कितना पैसा वेस्ट होगा और कितना डीजल खराब होगा। तो सरकार ये बातें सोच के अपने बैठ के छुपे मारती है अकाउंट बैठ के दफ्तरों के अंदर कि प्रशासन खूब चल रहा है, और जो ये सलाहकार है या जो प्रवक्ता है ये सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा सरकार के साथ कोई काम नहीं कर रही है। किसान की समस्या जो ये समझ जाएंगे तो किसान इनका आदर सत्कार करेगा, और जैसे इनको सत्ता में लाए हैं, अब किसानों की वोट से ये राजा बने हैं और आज हमको ये भिखारी बनाए चले हुए हैं, अगर इस तरह चलता रहा तो जैसे ये हमारे 300 मर चुके, अगर 3000 भी हमारे किसान मर गए हम पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक इस कृषि कानूनों का जो हमने विरोध किया हुआ है इसको सरकार ठीक नहीं करती है, एमएसपी कानूनी बनाती है, ये जो डिपार्टमेंट हमारे जैसे मंडियां हैं, ये अपना जो हमारे फसल को खरीदते हैं, इनका सुचारू रूप से चालन नहीं करती, तो हम ऐसे इनका आंदोलन करते रहेंगे, इनका बहिष्कार करते रहेंगे। और ये जो नेता है, नॉट ओनली बीजेपी, जैसे हमारे एक नए केजरीवाल जी ने जींद में महापंचायत करने की कोशिश की, अरे हमारे घरों में आग लगी हुई है, तुम्हें महापंचायत सुलती है, क्यों नहीं हमारे साथ धरनों पे आगे बैठते, हमारे टेंट में आकर सो,
हमारे साथ बैठे खाना खाओ, ये तो राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर, सभी आदमी राजनीति देखे हुए, किसान मरे हुए हैं, इनकी इनके मरे हुए गिद्ध आता है, गिद्ध खाता है, इस तरह हमारे मरे हुए राजनीति करने की कोशिश कर। ठीक है दैया जी, आपकी बात का मैं जवाब लूंगा, पंजेटा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंजेटा जी एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। आयुष जी देखिए, इस आज जो मैं बात कहूंगा वो तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पे कही है कि एफसीआई से हरियाणा को जो शेयर मिलता है, जो खरीद होती है, आज आप मुद्दा हमारा एफसीआई के ऊपर, अरे वो कहते हैं कि हरियाणा को बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो जब खुद मान रहे हैं खट्टर जी कि भाई हरियाणा को बहुत बड़ा नुकसान होगा और एक तरफ आप एफसीआई खत्म करने जा रहे हैं, अब आप देखिए आयुषी एमएसपी, प्राइवेट मंडी, एफसीआई और स्टॉक लिमिट, सारी की सारी मैं आपको समझाऊंगा ये काले कानून हम क्यों कह रहे हैं इनको, ये आपस में सारे के सारे जुड़े कैसे हुए हैं। मैंने आपको एसेंशियल कॉमोडिटीज, अब ये एफसीआई से धीरे धीरे, पहले पिछले साल 1.5 लाख करोड़ के आसपास का बजट कम किया था, 75,000 करोड़ का इस बारी बजट इन्होंने कम किया है, तो ये धीरे धीरे एफसीआई को खत्म करने जा रहे हैं, एफसीआई को खत्म करेंगे, प्राइवेट मंडी लेके आएंगे, लेकिन एमएसपी पे कानून नहीं बनाएंगे। देखिए किसान को तो भुगतान से मतलब है, अगर प्राइवेट आप लेके आना चाहते हो और कानून नहीं बनाना चाहते तो यानी आप किसान का डेथ वारंट तो पहले ही तैयार कर चुके हो, यानी किसान को कोई गारंटी नहीं है। आज किसान को गारंटी है कि एफसीआई उसको पैसा देगी, खट्टर साहब खुद मानते हैं कि हमें सेंटर वाले पूल से हरियाणा को जो पैसा मिलता है वो हम उससे भुगतान करते हैं और वो अधिक है, तो ठीक है मैं उनसे बात कैसे सहमत हूँ, यहाँ एफसीआई खत्म होने जा रही है तो खट्टर जी खुद भी इसमें कोई बयान दे कि एफसीआई को खत्म ना करो। दूसरा मैं आपको ये कहूंगा, ये जो स्टॉक लिमिट की मैंने आपको बात की है, देखिए ये जो अंबानी अडानी की जो हम बार बार बात करते हैं, अंबानी कोई हिंदुस्तान में सबसे अमीर नहीं है, वो एशिया में सबसे अमीर नहीं है, वो पूरे दुनिया में टॉप 5 में आ गए थे अभी कोरोना काल के अंदर, वो अमेजोन वालों से उनका तो मुकाबला ही कुछ और है, वो तो पूरे देश का अनाज खरीद सकते हैं। अब जब आप स्टॉक लिमिट हटा देंगे तो यानी, मैंने आपको कई बारी आपके डिबेट में पहले भी जिक्र किया है, मैं आज फिर दोहराऊंगा इस बात को कि जो तरावड़ी में हमारी बेल्ट है वो एशिया के अंदर मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, अरब कंट्रीज में हमारा चावल जाता है। आप स्टॉक लिमिट हटा देंगे, बड़े बड़े साइलोज बन चुके हैं, सारा का सारा सोचिए स्टॉक, ये जो बड़े बड़े घराने हैं ये सारा स्टॉक कर लेंगे तो यानी आप उनका क्या करोगे, जो बाकी प्लेयर्स हैं वो मतलब सबको खत्म कर दोगे, आप अपनी खुद की इंडस्ट्री खत्म कर दोगे। मैडम अपनी टर्न में बोल लेना, चाहे मैं गलत बोल रहा हूँ दर्शक डिसाइड कर लेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी टर्न आए तो आप बता दीजिएगा कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, आप प्लीज सुनिए, डिबेट को चलने दीजिए आराम से, हम आपके बीच में नहीं बोलते, प्लीज आप सुनिए, थोड़ी पेशेंस रखिए। अब आप जब स्टॉक लिमिट रख देंगे उससे क्या फायदा होगा, मैं ये अगर ये खत्म कर रहे हैं आप स्टॉक लिमिट बढ़ा दीजिए तो क्या होगा, सारे के सारे बने रहेंगे, सबका काम धंधा चलता रहेगा। अब धीरे धीरे देखिए कानून में जो लिखित में होता है, अब आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर एक बात देखी होगी कि अगर किसी वस्तु का इतने परसेंट बढ़ेगा तो वो इतने टाइम तक ही बढ़ा सकता है, तो यानी वो लिखित में है। ये कहते हैं एमएसपी थी है और रहेगी, बार बार दोहराते हैं, मगर कानून में नहीं है ये, तो ये कहते हैं मंडियां कैसे खत्म हो जाएंगी, मंडी भी खत्म है, ये जो उनके तरीके ऐसे आड़ती भी खत्म होगा, देखिए मंडी में कौन है, आड़ती है, धीरे धीरे आड़ती खत्म कर रहे हैं ये। एक बारी मैं आपके डिबेट में भी पहले बैठा होता, 2-3 दिन पहले की बात है, आपने वाइस प्रेसिडेंट बुलाया हुआ था आड़ती एसोसिएशन के, उन्होंने उनका ये बयान था, चाहे आप आर्काइव निकाल के देख लीजिए, उन्होंने कहा कि चाहे हमें आड़त कम कर दीजिए हमारी फसलें ना कम कीजिए। तो देखिए आयुष जी धीरे धीरे उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं काले कानूनों के वो आने शुरू हो गए हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण इन काले कानूनों में ये भी है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान पूरे देश में कहीं भी अपना अनाज बेच सकता है, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं फोर्स लगा दूंगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि मैं फोर्स लगा दूंगा, बिकने नहीं दूंगा बाहर का अनाज। तो जब ये खुद मानते हैं मुख्यमंत्री कि इन कानूनों में यानी कमियां तो ये खुद ही मानते हैं, अब बात आती है कि एमएसपी, देखिए आयुष जी एमएसपी जब तक कानून नहीं बनेगा, देखिए पैसा आपको क्या दिक्कत है, अगर अंबानी अडानी किसान को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दे तो आपको उससे क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है। ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है पंजेटा जी, मैं इस पर रिएक्शन जरूर लूंगा। केसी मलकानिया जी भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी बहुत स्वागत है आपका भी चर्चा में। केसी मलकानिया जी, तमाम स्थितियों को आज आपने देखा होगा, एक तो फसल खरीद के अंदर जो नए परिवर्तन हुए हैं उससे भी किसान परेशान है, और आज एफसीआई का भी घेराव किया गया है एफसीआई को बचाने के लिए, कैसे देख रहे हैं इन परिस्थितियों को आप? आयुष
आयुष जी ऐसा है जो किसान है वो अनाज उत्पाद करता है और उसको बेचता है, ये तो बात बड़ी सीधी है कि किसान की फसल का मूल्य किसान को मिलना चाहिए, परंतु किसान आरती का जो रिश्ता है वो मांस और नाखून का है, वो बहुत पुराना चला आ रहा है, हम इसको एकदम खत्म नहीं कर सकते हैं, हमें ये चाहिए कि जब तक ये आरती है आरती व्यवस्था चल रही है इसको चलने देना चाहिए, क्योंकि किसानों के लिए जो आरती है वो एटीएम का काम करती है, वो आज से नहीं कर रहा बड़े लंबे समय से कर रहा है, अगर हम ये चाहें कि किसान की फसल की उत्पाद की जो मूल्य है वो किसान को सीधा जाए तो बीच में से आरती निकल जाता है, हरियाणा में कहा खट्टर जी ने कि हम किसान को देंगे किसान आगे आरती को दे दे, परंतु जो मेन बात है इनके रिश्ते की है, जो आपका भाईचारा है इतनी सदियों से चला आ रहा है उसको ये तोड़ना नहीं चाहते, ये बहुत क्लियर बात है कि जो बात करता है उसका मूल्य उसी को मिलना चाहिए, परंतु ये रिश्तेदारी निभाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े लंबे समय से आरती और किसान का रिश्ता चला रहा है, चाहे इससे पहले जो था साहूकार प्रथा थी और सर छोटू राम ने उसको खत्म किया, परंतु ये जो थोड़ा सुधरा हुआ रूप है उसका और इसको हम एकदम खत्म नहीं कर सके, जो करना है किसान की सहमति से करो, और जो लिमिट कहते हैं स्टॉक लिमिट होनी चाहिए और एमएसपी पे भी कम से कम लिफ्ट गारंटी होनी चाहिए, जो खरीदे कम से कम उसी प्राइस पे लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तभी ये जो है किसान का और जो आर्थिक का रिश्ता भी कायम रहेगा और सरकार का भी रहेगा, सरकार को थोड़ा सा नर्म सरकार को पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा किसानों को नर्म पढ़ना चाहिए, और दोनों को मिल बैठ कर इसको समझना चाहिए, ना किसान दूसरे हैं ना सरकार, सरकार किसानों की है किसान सरकार के, इसलिए मिल बैठ कर इस समस्या का हल निकालना चाहिए। अब रंजीता जी से मैं जवाब देता हूँ, रंजीता जी जवाब दे सभी के। आयुष मैं सभी का जवाब देना चाहता हूँ, आज की दिक्कत क्या है कि एक टॉपिक लिया जा रहा है कि आर्थिक संकट, जिसका भ्रम पहले से सरकार दूर कर चुकी है कि आज भी आपके जो जे फॉर्म है वो आर्थिक जितने हमें सपोर्ट कराएंगे उसके थ्रू ही पेमेंट होगी, मेरा मतलब मेरा ब्यौरा के अंदर लोगों से पूछा गया कि आप आर्थिक अकाउंट में पेमेंट चाहते हैं कि अपने खुद के अकाउंट में पेमेंट चाहते हैं, 78% पूरे राज्य के घरों ने अपने आप को दुख बताकर ये कहा कि हमें अपने अकाउंट में पैसा चाहिए, तो हमने उनको उनके ट्रस्ट में दिया, तो बाकी बचे हुए किसान है वो आर्थिक के थ्रू लेना चाहते हैं, वो आर्थिक के थ्रू ले रहे हैं, जिनके अकाउंट में ट्रस्ट पैसा जा रहा है उसकी जो 25% आदत बनती है वो आर्थिक को दी जा रही है, आज ये भ्रम फैलाकर कि आर्थिक खत्म हो रहे हैं, मंडियां खत्म हो रही हैं, एमएसपी खत्म हो रहा है, अरे हमने तो अपनी अपना जो खरीदना था बाजार को हमने राजस्थान का भी खरीदा, वहां की सरकार ने नहीं खरीदा जहां पे कांग्रेस पार्टी सरकार है, उनका बाजरा भी हरियाणा की सरकार खरीद रही है, उसके बावजूद भी वो सरकार रखती है और हरियाणा की सरकार हुई है, उसके बाद मक्का सफाई योजना के तहत जो फसलें हैं जो पहले 14% थी आज तो हमने 20% कर दी है, ताकि एक एक फसल पर एमएसपी लोगों को मिले, एमएसपी खत्म नहीं है सरकार एमएसपी दे रही है, और अगर एक ही चीज का एमएसपी मैं आपको गिनाऊं, गेहूं का एमएसपी 1925 था तो हमने 1975 किया, जल का 1725 था हमने 1600 किया, चने का 1875 था हमने 1100 किया, मसूर का 1800 था हमने 1100 किया, सबसे बस 1725 रुपए था हमने 650 रुपए किया, उसके बावजूद बोलिया तक 5000 से ऊपर सरसों बिकी है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये भ्रम कौन फैला रहा है कि एफसीआई बंद होने जा रही है, एमएसपी बंद होने जा रहा है, मंडियां बंद होने जा रही है, जबकि सरकार अपने जो कह रही है मनोहर सरकार को करती दिखा रही है, आज दिक्कत की बात ये है कि विरोध के नाम पर विरोध है, आज कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन रंजीता जी पंजेटा जी ने तो बाकायदा बताया, वो तो पूरा एग्जाम्पल के साथ समझा रहे थे कि कैसे जो एफसीआई है और उसमें भी दिक्कतें आने वाली हैं और मंडियां बंद होंगी, वो स्टेप बाय स्टेप है, के लिए सहयोग क्यों बनाए जा रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए और आपकी सहमत के माध्यम से पूरे प्रदेश की जाने का कहना चाहती हूँ कि जितना अनाज ऑस्ट्रेलिया एक साल में उगाता है उतना अनाज हमारे यहाँ पर वेस्ट होता है, खराब होता है, क्योंकि हमारे पास भंडारण की व्यवस्थाएं नहीं थी, आज सरकार ने अपने सूझबूझ से ये सैलोज बनवाकर भंडारण को उचित रूप से करना चाहते हैं, ताकि चारा जो है वो किसी के पेट में जाए, ताकि किसी के नाके में जाए, क्योंकि कांग्रेस शासन जो 70 साल में हम देख गया है कि भंडारण की इतनी अवस्था थी कि जितना एक देश बढ़ता था हमारा देश बढ़ता था,
नहीं 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 साइलोस बना दिया ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें आप लिमिट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप साइलोस बना देंगे लिमिट हटा देंगे तब तो कोई भी उसको कितना भी चाहेगा रख लेगा। और फिर वही बात जो पंजीचार जी कह रहे थे कि भाई अब अगर अंबानी चाहें तो पूरे देश का अनाज खरीद लें, वो उनका अपना आकलन है, तो उसमें आप लिमिट कर दीजिए और दूसरा एमएसपी दे दीजिए। एमएसपी से कम अगर प्राइवेट प्लेयर भी है तो भाई उसको एमएसपी तो मिनिमम देना पड़ेगा ना, उसको कानूनी जामा पहना दीजिए। ये दो बड़ी बातें मुझे लगता है कि आप माने तो ये किसानों के साथ जो पूरा टकराव है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। हम एक एक सुझाव को लेने के लिए तैयार है। आज दिक्कत किस बात की आ रही है कि सरकार जब सब चीजों पे तैयार हो गई उसके बावजूद रिजिडनेस के हम नहीं मानेंगे और हम बैठे रहेंगे, ये कब तक चलेगा? मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आज 125 लाख मैट्रिक टन जो है वो गेहूं का उत्पादन हुआ है और सरकार 80 से 85 लाख जो है वो खरीदने के लिए तैयार है, 48 घंटे में उनके अकाउंट में पैसे देने के लिए तैयार है। अगर पैसे पर नहीं पहुंचता तो उस पर ब्याज निकल तैयार है, उसके ऊपर भी ये कह रहे हैं, इसका मतलब नहीं पहुंच रहा। अरे अभी खरीद शुरू हुई है जनाब, अभी तो 10 तारीख तक सुचारू रूप से और अभी तक जो चीजें हुई नहीं उसके ऊपर के आंख लगाए जा रहे हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, एमएसपी नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, ब्याज नहीं देंगे, मंडी बंद कर देंगे, आर्थिक व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें करना बंद कर दीजिए। मनोहर सरकार जो है एक एक पॉइंट पे पूरी अपनी सूझ बूझ के साथ काम कर रही है, सब कुछ सुचारू रूप से हो रहा है। हमारे जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल जी, उन्होंने भी बार बार कहा है, मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि एक एक दाना खरीदा जाएगा, कोई भी अव्यवस्था मंडी के अंदर नहीं होगी। और अटल योजना के तहत काली मंडियों के अंदर फैक्ट्री बना दी गई है ताकि सिंगला जी अभी तो फसल की खरीदी शुरू हुई है और अभी से बट क्यों हो रहा है? ठीक है रंजीता जी, रंजीता जी मैं अब जवाब ले लेता हूँ। थोड़ा सा ऑडियो की कुछ दिक्कत है, मैं एक बार फिर से चाह रहा हूँ कि ऑडियो आपकी थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। सिंगला जी, आयुष जी, ये एक आसमान से उतरी हुई सरकार है। आपने सुना, आप देखिए एक जनरल फिनोमेना है आम आदमी का, मनुष्य का, कि अगर उसका पेट भरता हो, उसको अच्छी सुविधाएं मिलती हो, अच्छे उसको रेट मिलते हो, वो धरने प्रदर्शन क्यों करेगा? वो 4 महीने से बॉर्डर पे क्यों बैठेगा? ये ड्राइंग रूम की सरकार है। ये सिर को रात को ख्वाब आता है, सुबह घोषणा कर देते हैं। हो क्या रहा है? पहले तो किसान रंजीता जी संयम रखिए, संयम रखिए प्लीज। चाय पानी पी के आए थे घर से, आप चाय पानी पी के आए जी। हो क्या रहा है? किसान पहले अपनी फसल को काटेगा, पोर्टल पर जाएगा, पोर्टल पर दर्ज कराएगा, फसल लेकर मंडी में आएगा, वहां पर पता चलेगा पोर्टल बंद हो गया, फिर घर चला जाएगा। ये हो रहा है सरकार में। मुख्यमंत्री जी आएंगे, सब जिला इसको बुलाएंगे, अपने डीसी को बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे, भाषण देंगे, यहाँ पर ये होना चाहिए, डीसी आएंगे, सचिवों को बुलाएंगे, यहाँ पर ये होना चाहिए, और बेचारे किसान धरने पर बैठेंगे। अगर आप किसानों का फायदा करना चाहते हैं, अगर आप विपक्ष का मुंह बंद करना चाहते हैं, अगर आप एक तरफा फैसला करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये हमारे हैं, नक्सलवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, विदेशी नहीं, हमारे भाई बहन है। अरे मान लीजिए एमएसपी की गारंटी को दे दीजिए, एमएसपी का कानून, घर चले जाएंगे, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बाबा हो जाएगी। मैं चैलेंज देता हूँ रंजीता जी आपको, चैलेंज देता हूँ आपको, मेरे साथ चलिए, आप ड्राइंग रूम में बैठ के जो राजनीति करते हैं, किसान मर रहा है, किसान डूब रहा है, किसान को शक है आपके ऊपर, आपके इनकार हो चुके हैं, आपकी विश्वास खत्म हो चुकी है, आप केवल वोट की राजनीति करते हैं, भाजपा एक ऐसी सरकार है। चलिए अब ये चर्चा फिर कांग्रेस बीजेपी के बीच में ही होकर रह जाएगी। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा पॉइंट्स पे चर्चा हो जाए। राजेश दहिया जी, पिछली बार भी तो मेरा फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल के आधार पर ही फसल की खरीदी हुई, उस वक्त तो कोरोना काल था, इस बार ऐसी क्या नई समस्याएं आ रही हैं? और सरकार एड्रेस करने को अगर नहीं तैयार हो रही है, क्या ऐसा है? क्योंकि आज जो SMS वाली एक जो दिक्कत आ रही थी उसको सरकार ने स्किप कर दिया है, बिना SMS के भी जा सकते हैं, तो सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, उसमें क्या दिक्कत है? मैं भी यही कह रहा हूं ड्राइंग रूम की सरकार जी, सरकार प्रयास कर रही है, सरकार ने 1 तारीख से खरीद शुरू की थी, लेकिन 1 तारीख में किसी के पास मैसेज नहीं पहुंचे। सिस्टम ये है कि अगर मैसेज पहुंचता है तो उस दिन किसान की फसल रेडी नहीं होती है, जब उसकी फसल रेडी होती है, जब तो उसका टर्म जा चुकी होती है, फिर उसकी 1 हफ्ते बाद कहते पोर्टल खुलेगा। मतलब सिस्टम जो बनाया है सरकार ने वो कागजी है एक किस्म से, जो कि किसान के लिए फिट नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आपने अपने
आपने अभी कहा था कि अगर एमएसपी पे कानून बनाते हैं और ये जो होर्डिंग की लिमिट खत्म कर देते हैं तो किसान इनसे बात करने के लिए तैयार है और किसान की आधी समस्या कम हो जाएगी। लेकिन हमारी जो प्रवक्ता मैडम है बीजेपी की, ये तो सुनती नहीं है, ये तो बस बोलती रहती है। अब ये कहती है कि ऑस्ट्रेलिया जितना गेहूं बढ़ता है उतना हमारे यहाँ खराब होता है, हमारे पास भंडार की व्यवस्था नहीं है। तो सिस्टम गलती किसकी है? ये गलती सरकार की है ना कि 70 साल के बाद भी उनके पास भंडार की व्यवस्था नहीं है। वो कहते हैं कि अंडा नहीं भंडार करेगा। अरे सरकार के पास पैसा नहीं है क्या? सरकार के पास व्यवस्था नहीं है क्या कि अडानी अंबानी ऐसे हैं कि वो सरकार चलाएंगे क्या? फिर तो प्रधानमंत्री गद्दी भी छोड़ दो, दे दो अडानी अंबानी को, जो कुछ सूत्र है हमारे खून का वो। ये मैडम जो है ये ऐसी बातें करती है कि मैडम ने किसानों को अगर समस्या होती है तभी वो घर से बाहर निकलते हैं। अगर किसानों को समस्या नहीं है तो घर में बैठे आराम से अपने खेत में बैठे अपनी फसल पैदा करे। यहाँ पर नारेबाजी नहीं गए आगे चक्के खाते सुबह से बैठे शाम तक मिलता क्या हमारे को? इससे ज्यादा हमारे किसान मर चुके हैं। आपको तो फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या होती है आपको आपको क्या है कि आपको इसके पैसे मिलते हैं क्या? आप यहाँ जाकर बोलना आपका डिबेट को खराब करना। आपने कम से कम आप शांत तो सुन तो लीजिए, यहाँ तो सुन लीजिए। पूरा देश क्या चैनल देखता आपको पूरे देश में कि बीजेपी का प्रवक्ता हर बार आके झगड़ा करता है, वो किसी को बोलने नहीं देता। किसान की बात छोड़े, वो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल नहीं देता, उसको ये भेजा जाता है कि वो अच्छा बोलेगा तो उसके वहां प्रमोशन मिलेगी। अरे मैडम जी, आप नेता लोग हैं, अगर आपको राज्यसभा से एमपी फ्री में बना दिया जाए तो आप लोग सवाल क्यों लड़ेंगे? किसान क्यों आपके पास दरवाजे पे आएगा? अगर उसको पैसे घर पे मिल जाएंगे तो, अगर उसके खाते में पैसे आएंगे तो क्यों दलदली ठोकरे खाएगा? वो बैंक में चक्कर क्यों काटेगा? आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर बैंकों में कितने 500 रुपए लंबी लंबी लाइन लगी होती थी, आपको 500 रुपए दिक्कत होती थी, वो आदमी खड़े आदमी मर जाते थे। तो आयुष जी, देश का सिस्टम हमारी बीजेपी सरकार ने खराब कर दिया है। आपकी हम बात से सहमत है कि हमारा एमएसपी का कानून बन जाए और ये जो होर्डिंग की लिमिट खत्म हो जाए तो हम वार्ता के लिए तैयार हो सकते हैं और हमारा समाधान निकलने की चांसेस होंगे। लेकिन सरकार ना तो एमएसपी कानून बनाना चाहती है। ये हम देखते हैं कि भाई इसके लिए सरकार तैयार होती कब है। पंजेटा जी, आयुष जी, अभी मल्कानिया जी कह रहे थे कि चलो उन्होंने जैसे भी बयान दिया, मगर उन्होंने ये कहा कि एकदम हम जो है ये सिस्टम जो आरती वाला खत्म नहीं कर सकते। तो उस बयान से मेरे को तो यही लगा कि एकदम नहीं खत्म कर सकते, यानी वो भी कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि धीरे धीरे इससे आरती खत्म हो गई। आज भी आयुष जी, किसान को जो है वो सरकार से ज्यादा आरती पे भरोसा है, क्योंकि रात को मैंने ऐसा वक्त भी देखा कि रात को 12-12 बजे ट्राली मंडी में खाली हो रही है, लाइटें जली पड़ी हैं, हाथ की हाथ तुलाई है, हाथ की हाथ से कैश पेमेंट मिलती देखी है मैंने। तो किसान को सहूलियत आरती से बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा उसको पता है कि सरकार पे आज वो विश्वास नहीं कर सकता। और ये जो सिस्टम है, ये आपको पता है, ये जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा का जिक्र हो रहा है कि इसके अंदर आपको बार बार बताया गया कि ग्लिचेज हैं, ये बार बार अभी एक प्रवक्ता अभी मैं डिबेट से बैठा होता कह रहे थे कि वो रीशेड्यूलिंग कर लीजिए, ऑनलाइन ये कर लीजिए। अरे किसान गांव में इंटरनेट की रेंज तो है नहीं, इंटरनेट की स्पीड नहीं है, आधे से ज्यादा किसानों के पास स्मार्टफोन नहीं है। किसान का काम खेती करना है मैडम, किसान का काम कंप्यूटर बैठ पे बैठ के अपना रीशेड्यूलिंग रीप्रोग्रामिंग करना नहीं है कि वो 4 दिन बाद ले आए। ये आयुष्य पता दिक्कत कब आती है, जब गार्डनिंग करने वाले लोग फार्म लॉज बनाने लग जाए ना आयुष जी, ये दिक्कत तब आती है। इन्हें देहात के अंदर ये नहीं पता कि किसान बेचारा मंडी में अगर आया है, अरे कहीं जगह कहीं किसानों की फसल जल्दी पकती है, कहीं लेट पकती है, दक्षिण हरियाणा में जल्दी पकती है, तो इन्हें ये नहीं पता वो आपके कंप्यूटर के हिसाब से नहीं चलेगा। किसान को तो सीधा सवा उसका तो बोला किसान है वो, और किसी के ये बहकाने की बात कर रहे हैं। ये किसान 27 नवंबर से बैठे हैं दिल्ली में, भीड़ जुटानी, ये राजनीति कह रहे हैं ना, राजनीति कर रहे हैं। ये भाजपा वालों की रैलियों में लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, ऐसे बुला के ये देखते हैं ना कि पीछे कैसे खाली कुर्सियां पड़ी होती हैं। आज आप देख रहे हैं आपकी चुनावी रैलियों में, तो 27 नवंबर से अगर वो लोग बैठे हैं तो किसी का घर जलता है ना मैडम, तब लोग बैठते हैं। ये विरोध जो कर रहे हैं, अगर किसी के घर में आग लगेगी, किसी का डेथ वारंट आप करोगे, किसी को इतना तंग करोगे, तब ऐसे सड़कों में लोग बैठते हैं। आप गलत कहीं, आपको ना या तो नॉलेज नहीं है मैडम, या आप सिर्फ ये एक जो आप एक रोजी पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। अगर विपक्ष कोई खामियां निकालता है, कोई उजागर करता है, और अगर सरकार उस पर अमल कर लेगी तो सरकार का कुछ नहीं घिस जाएगा मैडम। हमेशा आप ये मत सोचिए
कि राजनीति कर रहे हैं, हमारा हम एक जिम्मेदार विपक्ष है, इस मुद्दे पे हम राजनीति नहीं कर रहे, ना करेंगे ना करने देंगे, ये मैं आपको बात साफ कर दूं। कहां कहां किसको जो दिक्कत आ रही है, परेशानियां जो आ रही है, वो आपको हम जरूर उजागर करेंगे, ऐसे ही बताते रहेंगे, और लोकतंत्र में हमारा हक है ये बताने का, और अगर आप उसे सुधार लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। मलकानिया जी, क्या वाकई में जो खामियां हैं वो इंगित करने की कोशिश है, या इसके पीछे कहीं पर्दे के पीछे राजनीति भी है? शायद यही वजह है कि सत्ता पक्ष की तरफ से उसको उतना सही तरीके से डील नहीं किया जा रहा, क्या है असल स्थिति? मलकानिया जी, आयुष जी, ऐसा है, जो सरकार है वो मॉडर्न तरीके से चल रही है, किसान इतनी जल्दी मॉडर्न नहीं हो सकता है। पोर्टल पे आप ब्यौरा देंगे, कितनी फसलें कितनी बाजार में आएगी, कब खरीदी जाएगी, इसमें दिक्कत आती है, पढ़े लिखे को भी दिक्कत आती है। तो जो किसान है ये तो कहते हैं ना भाई, हम फसल डालते हैं तभी पेमेंट हो जाती है, परंतु मैंने तो पंजाब में ये भी देखा कि आपने फसल नहीं डाली है, आपको पैसा चाहिए, आरती दे देता है। इनका रिश्ता जो है बड़ा प्रेम का है, और ना आरती चाहता है कि मैं आउट ऑफ मंडी से जाऊं, और ना ही किसान चाहता है कि मैं जाकर खुले बाजार में बेचूं, वहां जाकर आरती को दूं, क्योंकि उसने उसे कर्ज भी लिया होता है और आगे भी लेना होता है। तो सरकार को चाहिए कि जो मंडी व्यवस्था है, अगर आरती के पास किसान बेचना चाहते हैं तो बेचने दे उसको। और इसके साथ साथ ये भी चाहिए कि जो लिमिट है, कितनी है, कोई अनाज का गोदाम का भंडारण कर सकता है, उसकी लिमिट जरूर चाहिए। ये बात बिल्कुल किसानों की सही है कि आपकी फसल एकदम फ्रीली जमा खारी हो गई, फिर उसके बाद उसके रेट बढ़ गए, इसलिए MSP पे लिखित गारंटी कानून चाहिए, और साथ में जो लिमिट स्टॉक लिमिट भी चाहिए, और जो मंडी व्यवस्था है किसानों के लिए, पंजाब ने देखा है जो इनका भाईचारा है उसके लिए इसमें बिल्कुल सही है। आगे सरकार किस तरह इसकी इनकी उपज का 1.5 गुना या 2 गुना दे सकती है, इसके लिए भी किसानों को चाहिए बताए भाई कैसे हमारी उपज का डबल या 1.5 गुना प्राइस मिल सकता है। अगर आपने किसान मंडी में ही बेचनी है, मंडी में आरती अपने प्राइस पे ही लेगा, वो आपकी फसल इतनी महंगी नहीं लेगा, तो आप बताएं कि कैसे जो है वो आपकी आमदनी जो है 1.5 गुना दुगनी हो। आप प्रस्ताव सरकार के आगे रखो, बैठ कर बात करो और इस निपटाओ। किसान और सरकार ही नहीं, इसमें आम जनता भी पिस रही है। जब कहीं बंद लगता है तो आने जाने में प्रॉब्लम होती है, आर्थिक व्यवस्था गिरती है, इसलिए इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए। परंतु अगर आपका नजर जो है वो अगले चुनावों पे है, और जैसे चकैत जी कहते हैं कि हम दिवाली भी यही मनाएंगे, तो इससे लगता है इसमें राजनीति भी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते भी कि इसमें राजनीति नहीं, इस आंदोलन में राजनीति भी घुसी है। इसको थोड़ा साइड में रखकर किसानों को सरकार से खुले दिल से बातचीत करना चाहिए। रंजीता जी, देखिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को लेकर के कई बार, उससे पहले भी मैं डिस्कशन में जब बैठा हूं तो इसको लेकर के बहुत सारी जो उसकी खामियां हैं वो भी आई। और दूसरा, ये बात बहुत बार उठती है कि किसानों को जानकारी नहीं होती है, नेट नहीं चलता है, स्मार्टफोन नहीं है, इसलिए ये तो प्रैक्टिकली है बड़ा दिक्कत हो रही है, और शायद ये बड़ी वजह है कि अब किसान और परेशान हो रहा है, खरीदी शुरू हो गई है। देखिए आयुष, प्रॉब्लम ये है कि परेशानी कोई नहीं हो रही है, बकायदा फोन करके उनको बताया जाता है कि आपकी फसल इस हफ्ते आप बेचने आ सकते हैं, अगर उस किसान की फसल तैयार नहीं है तो वो उससे अगले हफ्ते आ सकता है, कोई एंड लिमिट नहीं है, उससे अगले हफ्ते भी आ सकता है, और अगर किसी की फसल पहले तैयार है तो वो पहले लेकर आ सकता है, उसके लिए गेट पासिस बनाने का काम सरकार कर रही है। आज दिक्कत इस बात की आ रही है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, कि इस बात की दिक्कत आ रही है कि आशंकाओं के ऊपर जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं आज इसके ऊपर सभी आशंकाओं पर बात कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, अडानी ये कर देगा, अंबानी ये कर देगा, MSP खत्म हो जाएगा। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि आज किसानों की व्यवस्था के लिए एक एक चीज का इंतजाम किया गया है, आज सबसे बड़ी एडिशनल इनकम बढ़ाने के लिए किसानों की, आज अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी गोहाना के अंदर बनने जा रही है, जो कि 545 एकड़ में बन रही है, जिसका 2400 करोड़ का बजट है, वो किसके फायदे के लिए बनाई जा रही है, वो किसानों के फायदे के लिए बनाई जा रही है।
आज अटल किसान जो कंटीन है उसके तहत मजदूरों को 10 रुपए में खाना वहीं पे किसानों की जो मंडी है उसके अंदर उनको उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उनको बाहर जाकर धक्के न खाने पड़े या भूखे पेट काम न करने पड़े। आप ये बात कर रहे थे कि किसानों को पैसा कैसे मिलेगा, उनको बैंकों में लाइन में लगना पड़ता है, इसके लिए किसानों के लिए 1000 ATM मंडियों के अंदर जो है सरकार के द्वारा लगाए गए हैं ताकि तुरंत वो पैसा एटीएम से वहीं पे निकाले और अपनी जेब में डालकर लेकर जाए। एक एक व्यवस्था सरकार कर रही है, 400 क्रीज सेंटर बना दिए गए हैं और उससे ज्यादा बनाने की और भी कोशिश की जा रही है ताकि एक एक दाना सहूलियत से खरीदा जाए। सॉयल टेस्टिंग के लिए 14 नई लैब बनाई गई है ताकि जो है भंडारण के साथ साथ जो नया फसल आने वाली है उसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि बंपर उत्पादन हो रहा है हरियाणा के अंदर, वो इसी वजह से हो रहा है कि सरकार अच्छा बीज दे रही है, अच्छी सॉइल टेस्टिंग कर रही है ताकि कम जमीन के अंदर ज्यादा जो है धान उगे और लोगों को ज्यादा मुनाफा हो। आज सरकार उनकी जो फायदे के लिए एक एक जो खरीफ का सीजन था उसके अंदर 13,22,000 जो किसान थे उनका 2980 करोड़ रुपए का भुगतान करके उनके अकाउंटों में 24 घंटे के अंदर सरकार ने पैसा डाला है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार सब कुछ कर रही है, सरकार ये नहीं चाहती कि वो पहली जमात में रहे, जो कि कांग्रेस पार्टी कहा करती थी कि कभी भी किसान पहली जमात से दूसरी जमात में ना जाए। आज सरकार किसानों के हक में किसानों की आय दुगनी करने के लिए उनकी व्यवस्थाएं बढ़ा रही है, उसको पैसा अपने अकाउंट में चाहिए तो अपने अकाउंट में ले, उसको पैसा आरती के थ्रू चाहिए तो आरती के थ्रू ले, उसके लिए ऑप्शन खोल रही है ताकि वो अपने फसल का उचित मूल्य ले सके। आज उसके लिए छोटी छोटी कमेटियां बनाई जा रही है, उन कमेटियों के अंदर जो छोटे किसान है, बहुत ही छोटे किसान है, 1-2 एकड़ वाले हैं, वो उस कमेटी के थ्रू अपनी परचेज करवाएं और उसके बाद वो जो इकट्ठा भंडारण करके उस जो धान को उचित मूल्य पे बेचे, जिसको कि फार्मर प्रोड्यूस कमेटी कहते हैं, उसका निर्माण 486 कमेटियां ऑलरेडी सरकार बना चुकी है और लक्ष्य 1000 कमेटियां बनाने का है। आज दिक्कत किस बात की आ रही है, MSP भी मिल रहा है, मंडियों में एक एक दाना खरीदा जा रहा है, सरसों बाजरा हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं, अब गेहूं की बारी है, पर दिक्कत ये है कि जितने मेरे पैनलिस्ट भाई बैठे हैं पेट में दर्द इस बात का हो रहा है कि सब कुछ किसान आंदोलन के बावजूद सुचारू रूप में सरकार कैसे कर पा रही है, उसके अंदर आशंकाएं फैलाकर भ्रम फैलाकर किस तरीके से गुमराह किया जाए, सिंगला जी बहुत जल्दी बताया जाए। और सिंगला जी को भी मैं बता दूं, जो इनकी निकम्मी सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, जो कभी नहीं चाहती थी किसान पहले जमात से दूसरी जमात में चाहे, आज उन किसानों को प्रमोशन देने का काम जो है वो भाजपा की सरकार कर रही है। आज 6,000 रुपए उनके अकाउंट के अंदर ना केवल मुख्यमंत्री योजना के तहत बल्कि प्रधानमंत्री योजना के तहत। निकम्मी सरकार थी उसमें आप प्रवक्ता थे और बहुत सरकार को सराहा करते थे, भूतकाल में बच जाइए, बहुत लंबी बात है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा आपसे, ये जो ड्राइंग रूम वाले प्रवक्ता बैठे हैं ना, किचन गार्डनिंग वाले, जाके देखो किसानों का हाल क्या हो रहा है। सिंगला जी ये बता दीजिए कि कौन से खेत में जाकर आप फसल उगाते हैं या कौन सी आर्थिक योजना मैं आपको बता रहा, आपकी असलियत बता रहा हूँ, तो आप लोग करते हैं और कांग्रेस पार्टी करती है, हम धरती से जुड़े हुए लोग हैं और धरती से जुड़े हुए रहेंगे। आपके पास आज तक किसानों को बताने लगे, बातें करते हैं आप बड़ी बड़ी, पानी की व्यवस्था वहां पर, शौचालय की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था नहीं, किसान मर रहा है, टूट रहा है, यहाँ आप देख कर आए हैं क्या, एक भी मंडी का चक्कर लगाया है क्या आपने, वहां पर एक एक चीज की व्यवस्था कर दी गई है, वहां पर इतनी सुचारू व्यवस्था है कि क्या किसान आज खुश है। चलिए अब इसी के साथ चर्चा में यही समाप्त करूंगा और उम्मीद यह है कि आज इस चर्चा के अंदर जो तमाम सारी बातें निकल कर सामने आई हैं उसको सरकार एड्रेस करेगी और किसानों के समस्याओं को कम से कम फौरी तौर पर उससे राहत पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।